आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। राजधानी दिल्ली में हर वक्त बढ़ते दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हवा और अधिक जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पंजाब में किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तो आइए देखते हैं प्रदूषण पर यह हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, जानलेवा हुई दिल्ली की हवा, पराली का कहर दिल्ली में AQI 400 के पार। पराली जलाने से दूषित हुई हवा, दूषित हवा से लोग हो रहे बीमार। पराली के धुएं से बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, जलती हुई पराली पर्यावरण पर भारी। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। राजधानी दिल्ली में हर बढ़ते दिन के साथ हवा और भी अधिक जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप 10 गुना बढ़ गया है। मौसम के अलग अलग कारकों और पराली के धुओं ने दिल्ली की हवा को बहुत तेजी से प्रदूषित किया। धुएं के चलते दिल्ली में वातावरण प्रदूषण की एक परत चारों तरफ छाई हुई है, जिस पर सुबह और शाम के समय धुंध के साथ साफ तरह से देखा जा सकता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सतर्कता बरतते हुए कई पाबंदियां लगाई और पाबंदी का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 586 दलों का गठन किया गया। पर चिंताजनक बात तो ये है कि दिल्ली और एनसीआर में बढ़े हुए वायु प्रदूषण का कारण पंजाब में जलाई जाने वाली पराली का तेजी से बढ़ना है। पंजाब में भयानक रूप से बढ़ती पराली जलाने की घटनाओं ने केंद्र सरकार को एक बार फिर चिंता में डाल दिया। फिलहाल ये पराली 18-20% असर डाल रहा है, लेकिन आसार है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ता जाना जाएगा। इसरो के मुताबिक साल 2022 में 15 सितंबर से 28 अक्टूबर तक पराली जलाने की घटना 10,214 हुई थी, पर पिछले साल में पराली जलाने की घटना इस अंतराल में 7,648 थी, यानी इस साल की घटनाओं में 33.5% की वृद्धि आई। पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये घटनाएं सिर्फ एक हफ्ते में सामने आई, इसलिए पंजाब सरकार पहली प्राथमिकता में इन्हीं जिलों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में देना चाहिए। गौरतलब है कि पंजाब में किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं, इसके चलते दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आने लगी। और तो और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पंजाब सरकार इस मामले में पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। सबसे ज्यादा पराली सीएम भगवंत मान के गृह जिले संगरूर में जलाई जा रही है। पंजाब में सरकार के पराली जलाने को लेकर सतर्कता बरतने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसका किसानों पर कोई असर नहीं पड़ रहा और वो बेहिचक पराली जला रहे हैं, चाहे प्रदूषण बढ़े या घटे। साथ ही सरकार वोट बैंक बढ़ाने के लिए और अपनी राजनीति को मजबूत बनाने के लिए किसानों पर कार्यवाही के नाम पर सरकार खाना पूर्ति कर रही है। बता दें कि सरकार ने पराली जलाने पर प्रति एकड़ 2500 रुपए का जुर्माना और रेड एंट्री का प्राविधान किया है, और एक एकड़ में पराली निस्तारण का खर्च 3000 रुपए पड़ता है, जो जुर्माने से अधिक है। दूसरी अहम बात यह है कि पिछले कई वर्षों से सरकार किसानों पर लगा जुर्माना माफ कर दिया है, जिससे किसान बेपरवाह होकर पराली खुले में जलाकर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, देखना ये होगा कि पंजाब सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर कब तक लगाम लगाती है।
और पराली जलाने किसानों पर कब तक कार्रवाई करती है? और प्रदूषण को रोकने के लिए कौन कौन से नए नियम बनाती है जिससे कि हमारा पृथ्वी मंडल प्रदूषण मुक्त हो सके? दिल्ली क्या पूरे देश में बढ़ता प्रदूषण एक चिंता का विषय है। इसके लिए सभी को मिलकर जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।